हेलो व्रियोम वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल को देखेंगे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे ठीक है तो लेट्स मॉन्ट टू डिफरेंसेस पार्ट जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम से फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सिग्नल ओके okay? तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस सिग्नल्स जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ना वे एक कंटिन्यूसरीस आई मीन वे एक कंटिन्यूस सिग्नल्स रहते हैं वे डिस्क्रीट सिग्नल्स नहीं रहते लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या बोला है डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट कंटिन्यूस वैदर दे आर डिस्क्रीट सिग्नल्स जो जो डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं ना वे कंटिन्यूस सिग्नल्स नहीं रहते वे एक ही फ्लो में वे एक ही कंटिन्यूस फ्लो, फ्लो में फ्लो नहीं होते लेकिन वो डिस्क्रीट सिग्नल्स रहते हैं okay? ओके तो अपनी सेकंड डिफरेंस बोलती है वी कैन रिप्रेजेंट एनोलॉग सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्स वे एनोलॉग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि वो कंटिन्यूसल्स सिग्नल्स रहते तो उसको अपन साइन वेव्स के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको एनोलॉग सिग्नल को लेकिन डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या बोला है वी कैन रिप्रेजेंट डिजिटल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव्स क्योंकि वो कंटिन्यूस सिग्नल्स नहीं रहते तो अपन उनको स्क्वायर uh, वेव्स के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो फिर थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज रेंज uh, के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसका कर, तो वोल्टेज करंट है वो भी वो भी सेम कंटिन में ही फ्लो होगा ना तो इसलिए बोला है वैल्यूज ऑफ दोल्टेज रहेगी ना वोट की वह भी कंटिन्यूस रेंज के अंदर ही रहेगी किसके अंदर एनोलॉग सिग्नल के अंदर, के अंदर लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या बोला है uh, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यही कंटिन्यूस uh, सिग्नल uh, है डिजिटल डिज, सिग्नल है वो नॉन कंटिन्यूस सिग्नल है

के फॉर्म में बाइनरी फॉर्म के अंदर ओके देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है दीज सिग्नल्स आर इन एनालॉग एनालॉग जो होते हैं ना वही वही एनालॉग सिग्नल वही एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करा जाता है ठीक है लेकिन डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या बोला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज लाइक कंप्यूटर्स स्मार्टफोन्स स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा यूज दिस सिग्नल्स ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना वह कहां कहाँ पर यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स हो गए स्मार्टफोन्स हो गए स्मार्ट वॉचे हो गई जो आप पहनते हो ये यक्से बहुत सारी चीजें यूज डिजिटल सिग्नल्स ठीक है लेकिन एनालॉग डिवाइसेज काफ़ी यूज करे आई मीन एनालॉग सिग्नल्स काफ़ी यूज़ करे जाते हैं जा जहाँ पे एनालॉग डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस नहीं होते ओके दरअसल सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है एनालॉग सिग्नल्स कंज्यूम लेस बैंडविथ जो एनालॉग सिग्नल्स होते ना वह बहुत ही कम बैंडविथ को कंज्यूम करते हैं ठीक है थीके? लेकिन डिजिटल सिग्नल्स का क्या बोला है डिजिटल सिग्नल्स कंज्यूम मोर बैंडविथ जो डिजिटल सिग्नल्स होते ना वह ज्यादा बैंडविथ को कंज्यूम करते हैं राइट जर अपनी सेवंथ डिफ्रेंस क्या बोलती है एनोलॉग सिग्नल्स हैव लो कॉस्ट जो एनालॉग सिग्नल्स होते ना वह बहुत वह बेसिकली कॉस्ट एफेक्टिव रहते हैं अगर आपको कोई भी एनोलॉग का प्रोवाइड बाई करना है तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा वैन कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल आई मीन डिजिटल डिवाइस या फिर डिजिटल का डिवाइस ठीक है लेकिन द, लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या बोला है डिजिटल सिग्नल्स कंज्यूम आई I मीन mean, डिजिटल uh, सिग्नल्स हैव हाई कॉस्ट जो 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 डिजिटल डिवाइसेस रहते हैं या फिर जो डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं ना आई मीन जो डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं डिजिटल डिवाइस के अंदर तो उनका बहुत ही ज्यादा कॉस्ट रहता है ठीक है देन यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करिए एनालॉग सिग्नल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एनी नेचुरल साउंड या फिर ह्यूमन वॉइस डेटा रेड बाई एनालॉग डिवाइस ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसके एनालॉग सिग्नल के लेकिन डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कंप्यूटर सिग्नल्स डेटा रेड बाई डिजिटल डिवाइज एक्सेट्रा ओके अपनी नाइन्थ डिफरेंस क्या बोलती है एनोलॉग सिग्नल्स आर पोर्टेबल जो एनालॉग सिग्नल्स होते ना वह पोर्टेबल रहते हैं ठीक है देन यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स के क्या बोला है दे आर नॉट पोर्टेबल जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वह पोर्टेबल नहीं होते ओके okay? फिर अपनी लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है एनोलॉग सिग्नल्स गिव ऑब्जर्वेशन एरर यहाँ पे कौन सी एरर्स देते एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली आपको वो ऑब्जर्वेशन एरर देते ठीक है लेकिन डिजिटल सिग्नल्स आपको कौन सी एरर देते हैं डिजिटल सिग्नल्स डजन गिव ऑब्जर्वेशन एरर यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरर की बात करिए तो एनालॉग सिग्नल्स वो देते हैं एंड डिजिटल सिग्नल्स ये ऑब्जर्वेशन एरर नहीं देते ठीक है तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफ्रेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल